नहीं पहुंच पाए, काफी डिसअपॉइंटेड, काफी लोग डिसअपॉइंटेड। सेंटर लुक, सेंटर सेंटर मैं फ्रैंकली बताऊं, मैं बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ, क्योंकि भगवान ने इतना दिया ना, सच बता रही हूँ, बहुत होता है। मतलब आपका चाह अगर रखते रहोगे, लालच तो बुरी बला है, कितना भी आप चाहोगे जरूरी नहीं उतना मिले। तो आई एम सो हैप्पी, मुझे इतना मिला, मैं उसमें बहुत खुश हूँ। मैं तो मिड में भी अगर निकलती तो भी मुझे कोई गम नहीं होता। प्रियंका, आपके निकलने पर अंकित बहुत इमोशनल हो गए थे, क्या कहना चाहोगे प्रियंका? आपके निकलने पर इमोशनल लोग कह रहे कि आपको इतने ऑफर्स मिले हैं फिल्मों के, सीरियल के, कि आपके पास प्रोजेक्ट की भरमार है, और ये अर्चना ने आगे दावा किया। ये सारे ऑफर्स लोगों को पता, मुझे क्यों नहीं पता है? मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं गाइस, क्योंकि मैंने जस्ट अभी बिग बॉस हाउस से कदम बाहर रखा स्टेज पर, क्योंकि स्टेज के बाद में सीधा आप लोगों के सामने हूँ। आई हैव नो आइडिया, ना मेरे पास फोन है, मुझे कुछ नहीं पता मेरी लाइफ में क्या हो गया है, क्या हो रहा है। प्रियंका, क्या बात कर रहे हो, आपके मुंह में घी शक्कर। प्रियंका, यू नो अंकित आप, प्रियंका अंकित बहुत इमोशनल हो गए थे आपके निकलने पर, क्या कहना चाहोगे? मुझे भी जानना है ऐसे क्या हो गया। वो आपको जीता हुआ देखना चाहते थे, क्या आपको लगता है? कहीं ना कहीं यही रीजन होगा ऑफ कोर्स कि मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है और उसे लगा हुआ कि नहीं ये डिजर्व कर दिया, जीतना चाहिए इसे। ऑफ कोर्स आप अपने फ्रेंड्स को अच्छे चाहते हो, तो आई एम श्योर कि शायद इस वजह से कि शिट नहीं जीती तो वो नॉर्मली शायद इसको रोना निकल गया, बट हाँ शॉकिंग मेरे लिए ये जरूर था कि अंकित रोया। प्रियंका, सब पर्सन कैसे हो वो मैटर करता है, और कहीं ना कहीं आई थिंक एमसी ने सबसे दुनिया से इतना ज़्यादा कनेक्शन बना लिया होगा, उसकी पर्सनैलिटी लोगों को शायद इतनी पसंद आई, आई एम श्योर आई है, तभी आज ट्रॉफी उसके हाथ में है। तो मुझे इस चीज़ का कोई, प्रियंका यू नो आपके पर उन्होंने वो भी कहा था कि दो दो लड़कों के साथ घूमना और सिगरेट को लेकर बोलना, डू यू थिंक ऐसी जबान जिसकी हो उसको यू नो ट्रॉफी वो डिजर्व करता हो? आई थिंक हर इंसान से अलग होते हैं, सब इंसान अलग होते हैं, कोई भी इंसान सेम तो नहीं होता है, हर इंसान की लैंग्वेज भी अलग होती है, पर उस पे इंसान कैसा है हम उस चीज़ की मोहर नहीं लगा सकते। वो जहाँ मतलब जैसा भी है वो बंदा, दिल का मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि भाई उसके दिल में खोट है। हाँ मैं ये बात बोलती थी, मुझे लगता था वो इन्फ्लुएंस हो जाता है फ्रेंड्स से, जो मुझे लगा था, बट आई रियली लाइक हिम, ऐसा नहीं है। तो मैं छोटी छोटी चीज़ों पे जज करने वाली होती कौन हूँ? अगर मैं जज करती मेरी वीकेंड के बारे पे इतनी बैक टू बैक थोड़ी ना क्लास लगती। डू यू थिंक इस बार बिग बॉस बायस से प्रियंका, डू यू थिंक प्रियंका जनता ने आपको बहुत ज्यादा प्यार दिया है, वो चाहते थे कि ट्रॉफी आपके ही नाम हो, और ऐसा हर जगह डिक्लेयर कर दिया गया था कि प्रियंका झा चौधरी इज द विनर, बट ये एज अ शॉक है। मैंने बोला ना कि घर से बाहर निकलना, जैसे सब मुझसे पूछे थे कि शौक हो गया थोड़ा सा, मैंने कहा नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, बट हाँ जब मुझे पता लगा अंकित रोया, ये शौक ही था। बिल्कुल सेंटर लुक बोलना, क्या कहना चाहो सेंटर लुक प्लीज। तो मैं रूबीना को पर्सनली नहीं जानती हूँ, बट आई एम श्योर शी इज़ अ ग्रेट लेडी, जितना मैंने सुना है, और जितना भी अगर कंपेयर करते थे तो मुझे नहीं पता शायद कुछ ऐसी क्वालिटीज थी, क्योंकि आई रियली डोंट नो। लाल बटन दबाना, सबसे ज्यादा क्या मिस करेंगे बिग बॉस हाउस? आपने डे वन से आपने कहता है कि मैं ट्रॉफी जीतना ही हूँ, जीत के जाऊंगी, पर एक ऐसा इंसान जनता का डिसीजन है, मैं कौन होती हूँ जनता के अगेंस्ट जाने वाली? जब अगर जनता इतना कनेक्ट की है एमसी से, मुझे खुद को, मैं उससे खुद कनेक्ट करती हूँ, मंडली का हिस्सा होते हुए भी वो बंदा मुझे सही लगता था। तो ऐसा नहीं कि मंडली के बंदे बंदे या बंदियाँ सही नहीं लगते थे, सब सही लगते थे, लेकिन उसके मुझे हमेशा से लगता था यार ये जो भी है ना, मतलब सॉर्टेड बंदा है, दिल का बड़ा साफ सा बंदा है। क्या तो प्रियंका सेम इंसिडेंट कल हुआ थी खतरों की रानी जब गाइस लास्ट क्वेश्चन था, तो उस समय आप शाली को आपने ये कहा कि तुम डिजर्व नहीं करते तो किसी और को दे देते जब तुमको चाहिए नहीं, तो फिर उस चीज
पे आप आज ऐसा क्यों बोल रहे? मैं बताती हूँ, वो मैंने मेरे लिए नहीं बोला था कि किसी और को दे देते खतरों के लिए, वो मैंने शिव के लिए बोला था क्योंकि शिव को जाना था खतरों में, और क्योंकि उसको नहीं जाना था, वो पहले से क्लियर था, अब उसका कॉल है, वो सी हम किसी को गलत, बिग बॉस में जाके मैं सीख गई हूँ कि कुछ भी गलत सही नहीं है, आपकी नज़र में कुछ सही होगा, मेरी नज़र में वो गलत होगा, मेरी नज़र में शायद कुछ सही होगा, वो आपकी नज़र में गलत होगा, ये सब सिचुएशनल होता है, अपना अपना नजरिया। सलमान खान, यस आपको मूवी ऑफर की गई है, करना पसंद करेंगे अभी? यस मूवी ऑफर गई है, साल आपकी केमिस्ट्री काम पसंद करते हैं, हां तो क्या देना चाहते हैं? कार्तिक है तो क्यूट। पर हाँ यार, ये सब जो नाम है ना, ये वो नाम है जो मैं अपनी जिंदगी में मैंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मतलब मैं सलमान खान के साथ मूवी करूंगी, या कभी जो आपने बोला शाहरुख खान, सलमान खान ने हिंट दे दिया था बाहर तो उन्होंने जब बोला वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी। आई मीन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं सीरियल किया वो भी मेरे को बहुत बड़ा लगा था, बिग बॉस में आई मेरे लिए वो भी बहुत बड़ा था, अब अगर मूवी भी मिलेगी तो मेरे लिए वो भी बहुत बड़ा है, तो आई एम नॉट, हाँ इट्स लाइक कि ठीक है जो मिल रहा है भगवान जो दे रहा है। क्या मिस करने वाली है पूरा बिग बॉस एंथम आई गेस, वो आदत हो गई थी सुबह उठने की, जो सुबह सबसे पहले कॉफी में पीती थी ना शांति में, क्योंकि वही टाइम होता था शांति का जब सब सो रहे होते थे, तो मैं उठ के मेरी कॉफी पीती थी। किसी को नहीं ब्लॉक करूंगी, जो चीजें वहां पर थी वो वहां के वही है, मैं यहाँ पर मेरे लिए सब इक्वल है, मैं किसी को ब्लॉक नहीं करूंगा, सब प्यारे बंदे हैं यार। थैंक यू सो मच, ये मैडम, अरे यार प्रियंका एक सवाल है मेरा, इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे? मुझे नहीं पता है, यही कहना चाहती हूँ। भाई नीचे नीचे नीचे, थैंक यू सो मच एवरीवन।